हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम जब भी एग्जिट पोल वाले दिन अपने आंकड़े देते हैं, पिछले दो लोकसभा चुनाव में वो आंकड़े बिल्कुल सही साबित हुए। इस बार भी 6:30 बजते ही आपको News 24 टुडे चाणक्य के आंकड़े मिलने शुरू हो जाएंगे। किस राज्य में किस पार्टी किस गठबंधन को कितनी सीटें, ये देखिए यहां आप देख रहे होंगे मेरी दाई और बाई तरफ सारे राज्य एक एक करके आएंगे और आपको News 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस बताएंगे। बाकी सारे सब जगह आप देखेंगे एग्जिट पोल हो रहा है, लेकिन हमारी विश्वसनीयता हमारे पुराने आंकड़े खुद कहते हैं। ऊपर यहां आपको पता लगेगा हमारे मुताबिक News 24 टुडे चाणक्य के मुताबिक किसको कितनी सीटें आ रही, और नीचे बीजेपी और कांग्रेस, सबके मन में जो जो सवाल होंगे आज उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। 2014-2019 दो चुनाव, लोकसभा के चुनाव हमने बिल्कुल सही प्रिडिक्ट किए थे, सिर्फ 4 सीटों का अंतर आया था। आज भी बस थोड़ा सा इंतजार करिए, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा मेरे पास आंकड़े कुछ आ चुके हैं, मजबूरी है मैं मुस्कुरा इसीलिए रहा हूं क्योंकि दिलचस्प आंकड़े हैं। जैसे जैसे अब धीरे धीरे वोटिंग खत्म होने की तरफ हम बढ़ेंगे, 6 बजे वोटिंग खत्म, उसके बाद आधे घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, 6:30 बजे से आपको हम अपने आंकड़े देने शुरू कर देंगे। आप भी देखिएगा बहुत रोमांचक आंकड़े, थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए, लेकिन तब तक मेरे सारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर ये चुनाव कवर कर रहे थे वो अपना अपना असेसमेंट बता रहे हैं कि इस बार नतीजा क्या होने वाला है, क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो गया, एग्जिट पोल के आंकड़े भी आने वाले हैं। ग्राउंड पर जो रिपोर्टर्स चुनाव कवर कर चुके हैं, मैंने पहले भी कहा उनका दशकों का अनुभव है चुनाव कवर करने का, राजनीति कवर करने का, इसीलिए अपने अनुभव से अपनी जानकारी से अपनी समझ से वो आपको बता रहे हैं चुनाव में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। विनोद जगदाले ने बताया महाराष्ट्र में क्या होने वाला है, अशोक तिवारी कह रहे हैं दिलचस्प मुकाबला है, कोई भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है, रिस्क से भरा है। विशाल ने बताया एनडीए गठबंधन की सरकार मुश्किल से बनेगी, बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा। जल्दी से आपको मैं विनोद के पास एक बार फिर ले चलता हूं। विनोद जरा कुछ लोगों से बात करिए, उनसे पूछिए किसकी सरकार आ रही है। देखिए कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हमने फिर से हम बात कर रहे हैं। आप किस भरोसे कह रहे हैं कि देश में किसकी सरकार आएगी, क्या लगता है आपको? देखिए इस देश में जितनी बेरोजगारी थी अब वो जा चुकी है। कैसे जा चुकी है? देखिए इस देश में आप देखिए जो जो युवा है इस समय में ज़्यादा वोटिंग महाराष्ट्र में हुआ है, जो आप वोटिंग की जो संख्या देख रहे हैं ना वो सब युवाओं की है, और आपकी बार मोदी सरकार ये 100% आई। लेकिन आपको पता है कि महाराष्ट्र में गद्दार वर्सेस खुद्दार दो पार्टियों में हो रहा है, शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना उद्धव गुट, अजित पवार गुट, शरद पवार गुट, तो क्या कहेंगे? देखिए अभी आपके भी चैनल्स में आप देखते हैं कि कोई नाराज होता है तो वो चले जाता है, वो उनका अंतर्गत विषय है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि इस देश में मोदी जी को देख के वोटिंग होने वाला है। और आप क्या कहते हैं ये मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, लेकिन आपको बताइए, आप बताइए जमीन हकीकत क्या है? टुडे चाणक्य का रिपोर्ट है, 2014 में भी था, 2019 में भी था, और अभी भी हम वो टुडे चाणक्य का जो रिपोर्ट है हम उसको मानते हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट आता है वो सच सच आता है, और वो उनका भी रिपोर्ट अभी आएगा तो देखिए वो आपके चैनल में ही प्रसिद्ध होगा। और आपके बार मोदी सरकार और फिर एक बार मोदी सरकार, और इस बार 400 पार। हाँ आप बताइए। मोदी सरकार बन रही है महाराष्ट्र में, आप जो कहते हैं कि 10 गुट भी हो जाएंगे, लेकिन इस टाइम पे राज साहब ठाकरे का जो इंजन लगा है मोदी को, महाराष्ट्र में सरकार बनने की तरफ मोदी साहब जा रहे हैं। लेकिन राज साहब तो अलग हो गए, अब तो वहाँ पर महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में अभिजीत पानसे को टिकट दे दिया है, अलग हो गए। इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना होगा, आगे आगे देखो क्या हो रहा है। मोदी सरकार बन रही है, राज साहब आगे उनके साथ चलेंगे, मोदी सरकार बनने के बाद आपको भी निमंत्रण आ जाएगा, आप भी आ जाना वहाँ पे। कुछ लोग हमारे साथ साइड में खड़े, जरा इनको अंदर लेते हैं फ्रेम में। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि देश में क्या होगा, महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में कभी भी मोदी सरकार अभी इसके आगे मोदी सरकार कभी नहीं आएगी। अच्छा, इसके ऊपर है मराठा आंदोलन के ऊपर जो हुआ है लाठीचार्ज, उसके ऊपर वारकरी संप्रदाय के ऊपर लाठीचार्ज, शिंदे का एम्बुलेंस घोटाला, उसके ऊपर आगे जब अपन देखने जाए तो अपन कोकण में लेके गए थे, वो अपना जो प्रकल्प लेके गए थे कोकण को पूरा बर्बाद करने के लिए, जो अपना देवेंद्र फडणवीस का वो एक घोटाला उनका, वो भी रुकाने के लिए जो लोगों ने, गांव के लोगों ने जो मतलब उनको
मराठी में बोलूं मैं आप? नहीं, उद्धव ठाकरे घोटाले नहीं करते क्या लगता है आपको? कौन बोला उद्धव ठाकरे घोटाला नहीं? बीएमसी तो उनके हाथों में सभी कोर्ट में तो है नहीं ना। लेकिन अभी मुझे बताओ, मोदी जी ने खुद सामने कहा है कि 70,000 करोड़ का घोटाला अजित पवार ने किया। मोदी जी ने खुद कहा कि ओके विनोद लौटूंगा, ब्रेक लेना है, वक्त की नजाकत है, क्योंकि इसके बाद हम धीरे धीरे 6 बजे के उस समय की तरफ बढ़ेंगे जब वोटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद एग्जिट पोल आप अलग अलग चैनलों पर